हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जावेद है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अमेजोन सेलर सपोर्ट के साथ केस किस तरह क्रिएट किया जाता है और केस लॉग्स को किस तरह मैनेज किया जाता है। तो फ़र्ज़ करें मेरे कोई इशू है, वो इशू ये है कि अमेजोन मेरे कंटेंट को ना अपडेट नहीं कर पा रहा। तो मैं उनसे केस ओपन करूँगा कि भाई मेरे इस पर लिस्टिंग का कंटेंट अपडेट नहीं हो रहा, तो काइंडली इसका कंटेंट अपडेट कर दें। देखिए, केस हम लोग कब क्रिएट करते हैं? केस हम लोग उस वक्त क्रिएट करते हैं जब हमें कोई इशू आ रहा हो, हमें कोई मसला आ रहा हो, हमारी लिस्टिंग के साथ कोई मसला हो, हमारे किसी अपडेट के साथ कोई मसला हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी होती है अमेजोन के साथ, तो वो कोई भी रिक्वेस्ट आपने करनी हो तो आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा क्या आपने केस किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपने सेंटर को लॉग इन करना है, तो इस तरह आपके पास डैशबोर्ड शो हो जाएगा। उसके बाद अपने सेटिंग के पास आपके पास हेल्प का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और डैशबोर्ड आ जाएगा और उसमें भी ऑप्शंस होंगे कि एक ऑप्शन ये है कि आप केस नया क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप केस लॉग्स को देखना चाहते हैं। अब केस लॉग है क्या चीज़? केस लॉग ये चीज़ है कि आपने आज तक इस सेलर सेंटर में जितने भी केस क्रिएट किए हैं उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। सही है, तो मैं केस लॉग पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा आपके आपने आज तक कितने केसेस ओपन किए हैं, अमेजोन का आपको किन किन केसेस पे अमेजोन का आपको जवाब आया है या किन किन केसेस पे आपने अमेजोन का जवाब दिया है, तो वो यहाँ से आ जाता है। ये देखें, अब यहाँ पर अपने कितने हमने केसेस के ओपन किए हुए हैं। ठीक है, आंसर किया गया है, हमने यहाँ पे इशू भी बताया गया है। ठीक है, कि क्या क्या इशू थे, या बदर है भी इशूज, क्या डिटेल पे चेंज रिक्वेस्ट का इशू था। ठीक है, जो भी इशू थे वो हम लोग यहाँ पे इसको जाके मजीद व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब केस लॉग हम अपने हमने आज तक जितने भी केस लॉन्च किए होते ना उनका रिप्लाई करना हो अमेजोन को या उनको मैनेज करना हो तो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अब हम चाहते हैं कि हम लोगों ने नया केस क्रिएट करना है तो वो किस तरह क्रिएट करेंगे? जैसे आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड शो हो जाएगा। आपने नीचे स्क्रॉल करना है, आपको गेट सपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने इस गेट सपोर्ट पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे अब दो ऑप्शन मजीद पूछेगा आपसे, आपने कहना है कि आपने चूज करना है सेलिंग ऑन अमेजोन। सही है, ये एक एक आएगा स्पॉन्सर्ड एड्स एंड स्टोर्स, एक आ जाएगा सेलिंग ऑन अमेजोन, आपने उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सिनेरियो सारा वो जो है वो सामने आ जाएगा कि अपना आपका इशू टाइप क्या है और आप उसकी आप डिस्क्रिप्शन बता दें। सही है, तो इसमें आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, नीचे एक और आप लिखेंगे अभी वो ऑप्शन आ जाए। ये बता पूछ रहा है आपसे कि आप अपने इशू को डिस्क्राइब कर दो कंटिन्यू, यहाँ पे ना अगर हम कर देना तो वो मसला हल नहीं होता, क्रिएट समटाइम केस ही क्रिएट नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने क्लिक कर देना है ब्राउज फॉर योर इशू इन द मेन्यू। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे ना आप तो आपके पास और ज्यादा वो डिटेल ओपन हो जाएंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि अब आप किस चीज के रिलेटेड, आपका केस किस चीज के रिलेटेड ज्यादा है। सही है, तो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर आपने अपनी डिटेल देनी है, फिर आपने अपनी इशू डिस्क्रिप्शन देनी है, तो तब आपको मसला हल होगा। अब मैं कहता हूँ ज्यादातर इशूज हमारे होते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ, अगर आपके कोई और इश्यूज हैं तो आप वहाँ पे इनको मेंशन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरा इशू है प्रोडक्ट लिस्टिंग और इन्वेंटरी में। यहाँ पे भी मजीद पूछ रहा है कि आपको प्रोडक्ट पेज को फिक्स करना है, कैटेगरी चेंज करनी है, लिस्टिंग नॉट एक्टिव है, क्या मसला है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अगर कोई मसला नहीं है, कोई एक जेनेरिक सा मसला है, फिर आप क्या करें, आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें और क्लिक कर दें इन्वेस्टिगेट अदर प्रोडक्ट लिस्टिंग इन्वेंटरी इशूज। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक केस लॉग ओपन हो जाएगा। सही है, अब आपने यहाँ पे अपना बताना है कि मेरा इशू ये है। ठीक है, और आपने उनका नाम बता देना, कि एक टाइटल होता है ना एक इशू का, आप वो टिशू का आप इशू का टाइटल बता दें। उसके बाद आपने जो आपका है इशू उसको आप डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, जैसे आप डिस्क्राइब करेंगे कंटिन्यू करेंगे आपका केस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह केस क्रिएट किया जाता है और केस लॉग को इस तरह मैनेज किया जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। ओके, जजाकल्ला।